पुण्य बहुत कमाल चीज है, इसलिए पुण्य को समझ नहीं सकता है कोई जल्दी। पुण्य के चलते कोई कोई लोग बहुत लाभ प्राप्त होता है, पुण्य के चलते ही लोग फेमस होता है, नामी होता है। पुण्य के चलते सत्कार सम्मान आदर गौरव मिलता है। तो पुण्य के बारे में आम आदमी पार्टी के लोग नहीं बल्कि आम आदमी पुण्य के बारे में समझता नहीं, इसीलिए पुण्य के बारे में नया कहानी बनाता है, अलग अलग प्रकार की कहानी। कोई कोई लोग ऊपर वाला ऐसा करता है, कोई ऐसा, अलग अलग प्रकार की, ये भी ऐसा है। उस समय भगवान बुद्ध जी वेलवन आश्रम में थे। अरहत महाकाश्यप बंत जी इत्यादि 80 भगवान बुद्ध के मेन शिष्य ने 80 प्रज्ञावान से अग्र, दूतांगदार से अग्र, ऋद्धिबान से अग्र, वैसा अग्र अग्र 80 बंत जी हैं। वो बंते लोग भी राजगीर में ही थे। उसी दिन ये अग्र श्रावक 80 बंते लोगों को विलय करके भगवान बुद्ध जी 500 बंते लोगों के साथ राजगीर में भिक्षाटन गए। उसी दिन मेला के दिन है। कभी कभी ऐसा मेला उत्सव आने पर शहर के लोग मिठाई बनाता है, पुआ बनाता है, अलग अलग प्रकार की खाना बनाता है। उसी दिन 500 छोटा बच्चे लोग एक त्योहार में मजा लेने के लिए जा रहे थे। उन लोगों के बैग में भी मिठाई भरा हुआ था। उन लोग वो मिठाई भी लेकर मम्मी पापा बना के दिया। बच्चे लोग मतलब आप लोग की उम्र, लड़का लोग खेलने के लिए जा रहे थे पैकिंग करके। सभी लड़के लोग भगवान बुद्ध को देखते ही भगवान बुद्ध को नमन किया, लेकिन बाकी बांते लोगों को नमन नहीं किया। क्यों नमन नहीं किया? बैग के अंदर जो है वो निकाल के देना पड़ेगा नमन करेगा, इसलिए नहीं देंगे। तो वो बच्चे लोग निकलने के बाद बांते लोगों को भगवान बुद्ध जी ने बताया, आप लोग पुआ खाने में पसंद है, मिठाई है, इस समय खाने में पसंद है, तथागत इस समय हम लोग कौन देगा पुआ, मिठाई कौन देगा? आप लोग नहीं देखे अभी जा रहे थे बच्चे लोग, भगवान तथागत छोटे बच्चों खंजूस होता है, कभी किसी को कुछ देता नहीं है, हमारे बचपन में ऐसे ही था, सच बात है ना। बताया ये बच्चे लोग सच बात है, मुझको और आपको ये पुआ नहीं देगा, लेकिन ये पुआ लेने वाले, ये मिठाई लेने वाले भिक्षु हमारे साथ है, उनको ये सारे पुआ ले सकता है, ये सारे मिठाई का मालिक वही है, इसीलिए हम लोग आज पुआ खा के ही जाएंगे। ऐसे बोलने के बाद भगवान बुद्ध जी बंते लोग के साथ एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तो पुआ लेकर के जाने वाले 500 लड़कन लोगों के पीछे पीछे अरहत महाकाश्यप बंते जी जा रहे हैं। बच्चे लोग देख लिया, देखने के बाद दौड़ के आए महाकाश्यप बंते जी के पास, दौड़ के खुशी मन से बंते जी घेर लिया। घेर के महाकाश्यप बंते जी को बच्चे लोग बहुत प्यार करता है, हर जगह बहुत प्यार करता है। घेर के बहुत प्रसन्न मन से चिल्ला रहे बच्चे लोग, अपना मम्मी पापा से भी ज्यादा प्यार करते हैं महाकाश्यप बंते जी को, अपना पूरा झोला सब निकाल दिया। बात जी आज आज तो मेरा कुआं लेना ही पड़ेगा आपको, प्लीज मेरा ही लीजिए, मेरा ही लीजिए, ये नमन करे करे बताने लगा। फिर उन लोग को बताए, बच्चे वो देखिए वहाँ हमारे भगवान बुद्ध जी हैं, बातें लोग भी हैं बहुत सुंदर से,
आप लोग के पास पूजा करने के लिए कुछ सामान भी है, या भी महासंघ भी है, ऐसे तुम लोग को भी जाकर पूजा करिए। जी बात जी, आप जो बोलेंगे वो सही है, हम लोग जाएंगे पूजा करेंगे। अरहंत लोगों को सारे पुआ पूजा किया, पुआ मिठाई खा के खत्म होने तक देख लिया, अंत में पानी पूजा किया। कोई कोई बंदे लोग ये नहीं समझ पाया, तो बंदे लोग थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बात बोलने लगा। छोटा छोटा बच्चन लोग भी चेहरा देख के दान देने लगा आजकल। काश्यप बंत जी का चेहरा सुंदर है, बंत जी को दिया, हम लोग का चेहरा तो ना सुंदर है, वो तो बड़ा परिवार का, ब्राह्मण परिवार का है, गोरा गोरा है, उसको सब मिल गया, उसके चलते ऐसे करके बात बोलने लगा। ऐसा देखना अच्छा नहीं ना। फिर भगवान बुद्ध सुन लिया बंत लोग का बात, बताए ऐसे मत कहो, मेरे पुत्र महाकाश्यप को देवताओं भी प्रसन्न करता है, मानव भी प्रसन्न करता है, सारे देव मान महाकाश्यप को सेवा करने के लिए निरंतर इंतजार करते रहते हैं। ऐसे बोल के एक गाथा बताया, शील दर्शन संपन्न धम्म अष्टम सच वेदिनम अत्तनो कम्म कुबानम तंजनो कुरते पियन। जो कोई शीलवान है तो निर्वाण की रास्ता पर जाता है, तो तथागत के सत्य धर्म पर रहता है, तो अपने जो कर्ता में शील समाधि प्रज्ञा में कोई सफलता भी है, तो वो पवित्र भिक्षु को पूरे संसार प्रसन्न करता है। अर्थात महाकाश्यप बंत जी का गुण हम लोग सोच भी नहीं सकता है, वचन नहीं है, शब्द नहीं है, उनके गुण अनंत हैं। अर्थात महाकाश्यप बंत जी को छोटा बच्चे लोग बहुत प्रसन्न करता है, इसलिए याद रखिए ये पुण्य कमाल चीज है, पुण्य आश्चर्य चीज है। आप लोग इच्छाएं मिलता है ना, ये हमारा दया दया भी है, लेकिन पुण्य सबको मिलना चाहिए। ऐसा है तो आप लोग को ऐसा ज्ञान मिलता है, सबको मिलना चाहिए। आप लोग को आश्रम से प्यार मिलता है, वो सबको मिलना चाहिए, सबको थोड़ी ना मिलता है। आप लोग को इज्जत मिलता है, सबको मिलना चाहिए। वो सब आप लोग किया हो पुण्य के चलते मिलता है, इसलिए कभी भी पुण्य करने में पीछे मत हटिए। पुण्य करने का मौका मिल गया तो मन लगा के हाथ लगा दीजिए उसमें। आज तक तो आप लोग ऐसे ही करते आया है, आने वाले समय आने हैं, बदलने वाला समय है। कोई भी डिस्टर्ब कितना भी करे, लेकिन अपने लिए पुण्य करना मत भूल जाइए। मात्र आप लोग इसी जीवन में पुण्य करिए, बहुत खुशी होंगे। किसी का कहना मानकर हम लोग पुण्य करना छोड़ देंगे तो थोड़ी ना उसका हम लोग नरक में जाते हैं, वही बचाएगा हम लोग को, बचाएगा? दूसरों का कहना मान के सोचिए, आपका पाप मना किया, दान नहीं देना है, ये पुण्य नहीं करना है, इसके बाद मैं अभी मृत्यु आ गया, जानवर बनने वाला है, पापा आपको बचा सकता है? नहीं बचा सकता है, खुद का शरण खुद है। अपने लिए सोच के पुण्य करना बहुत जरूरी है, हमेशा सोचिए क्या पता कल मर गया तो आज पुण्य करेंगे, ऐसे सोच के बहुत बहुत पुण्य कमाने के लिए कोशिश कीजिए, उसके लिए आपको भाग्य मिल जाएगा।